कई बच्चे कहते हैं नीट और की तो मैम तैयारी कर ही रहे हैं पर हमें लिखना ही नहीं आता नीट और जय में तो हम टाइम जितना सेव कर सकते हैं ना उतनी जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो क्या चीजों का ध्यान रखना है पहली बात आज के सेशन में भी ना जो क्वेश्चन में करवाऊंगी आप इन चीजों को वहां पर नोट करोगे ये जो पॉइंटर यहाँ लिखे हैं ना ये वहां पर आप इसे नोट करोगे तो पहली चीज इसका आपको ध्यान रखना है भी मान लो आपके किसी क्वेश्चन में थियोरिटिकल क्वेश्चन आ जाता है भी डिफाइन व्हाट इज अ हेनरी लॉ है ना State what is Henry's law. तो आपको बेटा उसके अंदर डायरेक्टली उसका मीनिंग लिखना इधर उधर की कहानियां नहीं लिखनी है जब भी आप पेपर लिखते हो क्वेश्चन पेपर का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो आपको डायरेक्ट पॉइंटर्स में जवाब देना होता है मीनिंग पूछा मीनिंग लिखो रीजन पूछा रीजन लिखो इधर उधर की बातें नहीं लिखनी होती है तो आपको स्पेसिफिक मीनिंग स्टेटमेंट या रीजन देना है जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा दूसरी बात अगर कोई फॉर्मूला है जैसे आपने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज आप देखोगे कोई भी फॉर्मूला आता है आप उसको बॉक्स में डालेंगे इसका प्लीज आप लोग ध्यान रखना इसके बाद आपने जो हेडिंग्स है उसको बोल्ड लेटर्स में लिखना कैपिटल लेटर्स में लिखना बड़ा बड़ा लिखना हेडिंग को ठीक okay? है इसके बाद ट्राई टू राइट इन रादर देन द दे पैराग्राफ पैराग्राफ में मत लिखेगा बेटा पॉइंटर्स में लिखिएगा हां जी यूपी बोर्ड हरियाणा बोर्ड आई सीबीएसई सभी बोर्ड्स के लिए मैं बोल रही हूं ठीक है जम्मू कश्मीर बोर्ड ठीक है जिनके लिए भी मैं देख रही हूं मैं आपको बता रही हूं यहां पे जो टॉपिक एक्स्ट्रा होगा लेट यू नो बेटा टेंशन मत लो सारा सिलेबस सेम है एम पी बोर्ड हां जी मैं सब देख रही हूँ उड़ीसा बोर्ड सब देख रही हूँ ठीक है अब देखो अंडरलाइन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन और हाईलाइट को अंडरलाइन करना जैसे आपको लगता है हेनरी लॉ आपने मैंशन कर दिया अब तुम उसे अंडरलाइन कर दो क्यों क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा कहेगा अरे क्या बात है तो सीधे सीधे लिखे सीधा नंबर ठीक है भाई तुम ऐसे गुचमुच गुचमुच कर ही जा रहे हो नंबर नहीं मिलेंगे ठीक है इसके बाद ऑलवेज एंड एंड द क्वेश्चन विद लाइन जैसे मान लो तुमने end कर दिया तो उसमें ऐसे लाइन डाल के फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करिए छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको पता होना चाहिए जो हम नीट और जई की तैयारी करते भूल जाते हैं ना? है ना ठीक है डन है हाँ जी आसाम बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड सभी बोर्ड को लेकर चल रही वेस्ट बंगाल बोर्ड ठीक है टेंशन मत लो ठीक है विश्वास करके बैठो अच्छे से सब अच्छा होगा